अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 41.82 पॉइंट पॉजिटिव बन रही, 74,878 की सतह के करीब। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो आज 175 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में देखने को मिला, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 410 मिलियन से ज्यादा का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 14.92 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े कम है, जाहिर सी बात है रिसेंटली हम थोड़े कम वॉल्यूम्स देख रहे हैं मार्केट में, जब से मार्केट में कुछ गिरावट का शिकार हुई है, जब से मार्केट तो थोड़े वॉल्यूम्स के अंदर कमी आई है। बाकी कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी मार्केट 75,500 पे थी, उस वक्त आपको बताया गया कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ी नीचे आ सकती है, 74,800-9,000 हमारे पास एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स होंगे। और इन दो दिनों में मार्केट ने 74,800 के ऊपर ही डेली क्लोजिंग दी है, तो ये तो एक अच्छी चीज हो जाती है। स्टॉक्स वाइज आप लोगों को बताया था DGKC के हवाले से, जब कि अगर वो 84-80 को ब्रेक करेगा तो 83 को हिट कर सकता है। आपने देखा होगा जो लास्ट सेशन था मार्केट का, उसमें इसने 84-80 को जैसे ही ब्रेक किया, हमारा 83 के टारगेट के पास आया और उधर से ही घूमा और आज कैसा जबरदस्त इसे तेजी की। तो ये होती है एक्यूरेसी ऑफ लेवल्स। मजीद अगर मैं देखते हैं तो कल के दिन एक न्यूज आई बेसिकली टी बिल्स के हवाले से, टी बिल्स के जो ऑक्शन में उसमें थोड़ा रेट के अंदर कट देखने को मिला है, सिमिलरली काइबोर रेट भी नीचे आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रही है कि जो चांस है इंटरेस्ट रेट का कट होने का वो बढ़ सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 जून को ही तारीख है इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी की, और अलबत्ता अगर उसमें गिर जाता है इंटरेस्ट रेट तो ये मार्केट के लिए जबरदस्त पॉजिटिव चीज होगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पे है, 22% पे आई गेस, तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है। और अगर पॉसिबिलिटीज है कि 1-1.5% यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट गिरावट होती है तो ये एक निशानी होगी कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट में रिवर्सल आ गया है और यहाँ से मार्केट या इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे की तरफ मजीद आ सकेंगे, जिसकी वजह से जो रैली है ना हाईली लेवरेज स्टॉक उनके अंदर देखने को मिल सकती है। हम देख रहे हैं आज के दिन तो सीमेंट्स आउटस्टैंडिंग रहे, 4G सीमेंट, DG खान सीमेंट, उसके अलावा मैपल लीफ के अंदर अच्छी एक्टिविटी रही, पायनियर सीमेंट को देख ले आप, चिराग सीमेंट भी देख ले, गरीबवाल सीमेंट, सब सीमेंटों में आज धमाके आ रहा। उसके अलावा स्टील सेक्टर के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, मुगल आउटस्टैंडिंग, अमरेली स्टील आज 27.40 टच करके आया, ठीक है। उसके अलावा ISL भी अच्छा रहा, INIL भी बेहतर रहा। तो स्टील सीमेंट ये एक अच्छे सेक्टर्स है जो कि इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा मुतासर है, ठीक है। उसके अलावा और भी आप दूसरे स्क्रिप्ट देख लें स्पेशली तो ये, लेकिन यही दो सेक्टर्स मेन है, बाकी भी सेक्टर के अंदर भी मतलब जैसे एक तो सीमेंट स्टील सेक्टर हो जाता है, इसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो हाईली अफेक्टेड है इंटरेस्ट रेट से, लेकिन ये वो मेजर सेक्टर्स हो जाते हैं सीमेंट और स्टील। मजीद देखा जाए तो आज बैंक्स के अंदर थोड़ी हमने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी, बैंकिंग ट्रेडेबल इंडेक्स जो है वो आज माइनस बन रहा, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ MCB बैंक, अल्फला, इवन नेशनल बैंक, फैसल बैंक जो मुस्तकिल ऊपर जा रहा था वो वन सेकेंड नीचे आया, तो बैंक्स के अंदर थोड़ी गिरावट आ रही है। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से गिरेंगे तो काफ़ी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, लोग कम कर ले, ठीक है, निकाल लें, स्पेशली उन सब वो लोग जिन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकों में पैसा डाला हुआ है। लेकिन उसी के आप दूसरी साइड देखें तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होगी तो फिर बैंकिंग सेक्टर को एक हद तक पॉजिटिविटी भी उनको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे, तो बैंकों का प्रॉफिट इस तरीके से भी बढ़ेगा। तो बहरहाल ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, फिलहाल तो इंटरेस्ट रेट से पहले बजट भी आना है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टर्स की आईज टिकी हुई है कि भाई बजट किस तरीके का आना है। मुख्तलिफ र्यूमर्स चल रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, मुख्तलिफ र्यूमर्स कंपनी के हवाले से भी चल रहे हैं किन कौन सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो बहरहाल ये र्यूमर्स तो चलते ही रहेंगे, बजट से पहले ये स्पेकुलेशन चलती ही रहेगी, और ये भी एक रीजन हो सकता है वॉल्यूम कम होने का कि काफी लोग साइडलाइन हो चुके हैं, भाई हम देख लेते हैं बजट कैसा आएगा और एक सेफ एंट्री ले ले, क्योंकि लोगों के मुताबिक मार्केट ऑलरेडी इतने हाई साइड पे है, ऑलरेडी इतनी रिस्की है कि इधर लोग पैसा डालने में भी घबरा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो बहरहाल इसमें हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, उन्हीं सेक्टर्स को देखें जो एक तो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग वाइज अच्छे हो, जो कि इन सब हालात में जैसे इंटरेस्ट रेट अगर गिरेंगे आगे आने वाले टाइम में तो सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा होगा, और अगर यहाँ से अल्लाह ना करे मंदी आती है तो वो ज्यादा कितना ही गिर जाएंगे, इन सब चीजों को रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए ही चलना है, ठीक है ना। एनीवेज मजीद देखा जाए
तो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी देखने हैं कैसे आने हैं, होपफुली काफी कमाएंगे। और क्रूड ऑयल इस वक्त $79.30 के पास ट्रेड कर रहा है। कुछ ये भी रूमर्स चल रही है कि इस बार वंस अगेन पेट्रोल प्राइसेस के अंदर गिरावट आएगी, तो ये भी देखना है डेफिनेटली कि पेट्रोल प्राइसेस में क्या तब्दीली आती है। तो बहरहाल टॉप कंट्रीब्यूटर्स टॉप लूजर्स को आज के दिन देखते हैं। तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो था मिल्लर ट्रैक्टर सर्विस, फिर फौजी सीमेंट हो जाता है लकी सीमेंट, फॉलोड बाय पीपीएल डीजीकेसी। जबरदस्त रहा डीजीकेसी आज। उसके अलावा हपको कैपको दाऊद हरक्यूलस पायनियर मैपली फोहार्ट सीमेंट एबर्ट केटीएमएल चिराट सीमेंट और ये चंद्रस्क्रिप्ट हो जाते हैं। टॉप डिक्लाइन साइड में मारी पेट्रोलियम फॉलोड बाय एमसीबी हो जाता है, फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन हो जाता है। एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो अब काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, क्योंकि हमने देखा था शुरुआत में यही वो स्क्रिप्ट से जो मार्केट को चला रहे थे, जब मार्केट 50 से 60 हजार भी, तो ये वो स्क्रिप्ट से जो सबसे ज्यादा चल रहे थे, अब इनके अंदर हम गिरावट देख रहे हैं। फिर फौजी फर्टिलाइजर हो जाता है, फिर बैंकल हबीब फैसल बैंक पीएसईएल, फातमा फर्टिलाइजर, थल टीआरजी पैक टू पाकिस्तान टोबैको, पाक इलेक्ट्रॉन, एचबीएल सिस्टम्स और एफएफबीएल हो जाते हैं। तो पहले लिए तो हो जाती है चंद कंपनीज बेसिकली टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से। अब चलते टेक्निकल चार्ट पर, देखते टेक्निकली मार्केट क्या मूवमेंट दिखा सकती है। तो सबसे पहले तो आप आज की अगर डेली कैंडल देखेंगे मार्केट तो प्लस बन रही है, ठीक है, सबसे अच्छी बात। वैसे तो बंद ज्यादा ही हुई थी, 150 पॉइंट के करीब एडजस्टमेंट में नीचे आ गए, क्योंकि जो तेजी हुई थी वो आखिरी के मिनटों में हुई थी, तो एडजस्टमेंट जब हुई तो फिर मार्केट थोड़ी नीचे आ गई। लेकिन जो खुशी की बात है वो ये कि एक तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में तो अपने सपोर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑनर कर रही है, 74,800 के ऊपर ऊपर ही रह रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है मार्केट का, ठीक है ना। तो आज मार्केट को संभाला किस न्यूज ने, टी बिल्स, काइबोर रेट, इन सब ने संभाला, और वो सेक्टर्स में भी हमें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिला, स्टॉक्स में भी। तो ये काफी अच्छी चीज है, और मार्केट बंद भी बहुत अच्छी हुई। मैं आपको अगर आवर्ली चार्ट दिखाऊं सबसे पहले था, तो आप देखेंगे कि मार्केट में अब हमें थोड़ी नीचे से अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली, आखिरी के आधे घंटे में भी एक अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले, ठीक है। स्टिल वैसे तो नहीं है जैसे होने चाहिए, लेकिन आप फिर भी देखेंगे तो बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले। अब थोड़ा आप यहाँ से मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया 76,250 के पास, ठीक है, फिर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। और आज का जो दिन था ना, आज के दिन ना हमें कुछ जो है वो रिकवरी अटेम्प्ट देखने को मिली, मल्टीपल रिकवरी अटेम्प्ट। अब सबसे पहले एक तो मार्केट खुली ऊपर, और फिर एक शुरुआत में मार्केट जो है वो 450 पॉइंट के पास चली गई थी करीब करीब, तो ये पहली रिकवरी अटेम्प्ट थी, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर मजीद एक गिरावट आई, मार्केट एक न्यू लो दिया 74,590 का, और फिर एक सेकेंड रिकवरी अटेम्प्ट है। मतलब मार्केट में ये जो रिकवरीज का जो सिलसिला है ना वो देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से शुरुआत में रिकवरी आई, फिर गिरी, फिर रिकवरी आ गई। मतलब मार्केट के पास बाइंग आ रही है, नीचे से मार्केट में बाइंग आ रही, मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिल रही है। और आप ये भी देखेंगे जब मार्केट गिरी ना तो कुछ स्टॉक्स तो बहुत ही कम अफेक्ट हुए, जैसे डीजी खान सीमेंट, वो गिर ही नहीं रहा था, थोड़ा सा गिरा फिर वो मार्केट रिकवरी, वो एकदम भागा डे हाई को भी तोड़ के, ठीक है ना। इसी तरीके से मुगल देख रहे हैं, फिर बीच में अमरेली स्टील ने जबरदस्त अपनी रैली चलाई, पीएबीसी, तो मुख्तलिफ आइटम जो है वो अपनी मूवमेंट अच्छी बना रहे थे। तो ये जो है वो एक काफी पॉजिटिव साइन हो जाता है मार्केट के लिए, ये जो रिकवरी अटेम्प्ट्स देखने को मिली। तो अब दो लेवल निकल के आ जाते हैं मार्केट के लिए। अब सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि वही मार्केट का जो उसूल चल रहा है आजकल के, मार्केट खुलेगी तो ऊपर, आज भी वही देखने को मिला। हॉल तो इतनी बड़ी मंदी थी कल लास्ट डे, फिर भी मार्केट ऊपर खुली, तो यही सिलसिला हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट खुले ही 150-200 पॉइंट ऊपर, 150-200 पॉइंट ऊपर जाए, हो सकता है 300-400 तक चली जाए। मेन देखना ये कि मार्केट सस्टेन कैसा करे, उधर मार्केट का जो है वो बिहेवियर कैसा है वो नोट करने वाली बात होगी। दो रेजिस्टेंस लेवल है, पहला तो एक तो 74,878 पे बंद हुई है, पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा मार्केट पास 75,000-75,050 के पास करीबन, ये बनता है 150 से 125 पॉइंट के ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल पहला आएगा, ठीक है। फिर अगर मार्केट इसको बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर जाती है, फिर मार्केट का अगला लेवल आएगा 75,250 से 300 का लेवल, ठीक है, ये मेजर लेवल है, इसके ऊपर अच्छी खासी हम बेहतरी देख सकेंगे मार्केट में, क्योंकि फिर जो अगला लेवल आएगा वो 75,480 और फिर 75,600-700 के लेवल है। फिलहाल के लिए ये लेवल है मार्केट के लिए 75,050, 75,280 फिर 75,480। डाउन साइड पे मार्केट के पास एक बड़े ही अच्छे सपोर्ट लेवल है, सबसे पहला तो है आपका 75,800, बहुत अच्छी कोशिश है इस लेवल की मार्केट को सपोर्ट देने की, तो पहला ये लेवल हो जाता है। फिर आज के लो के पास हम लेवल होगा 75,520 के पास,
ये अगला सपोर्ट लेवल है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल से आप देख रहे हैं, मार्केट पहले भी इन लेवल से घूम चुकी है, इस बार भी कुछ अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। और फिर आ जाएगा आपके पास लेवल 75,000, सॉरी 74,300 का, ठीक है। वन सेकेंड रिपीट कर दूं, 74,800, 74,520 और 74,340 के पास का ये लेवल है। इन लेवल्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तरीके से काम किया जा सकता है। ओवरऑल मैं स्ट्रेटेजी बता दूं तो देखिए, मार्केट में रिकवरी अटेम्प्ट्स आज देखने को मिली, मल्टीपल रिकवरी अटेम्प्ट्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पहले ही गुड न्यूज हो जाती है जो कि ऑन गोइंग प्रेशर को कम करता हुआ दिखाई दे रही है। और बल्कि अब वंस अगेन मार्केट हो सकता है अपना यहाँ से ट्रेंड बदलने की कोशिश करे, लेकिन वही बात है, हम कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे बजट के हवाले से जो रिवर्स आ रही है उसके ऊपर तो स्पेकुलेशन मार्केट में चलेगी ही। तीसरा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का क्या होना है, पहले भी हमने देखा है कि काफी उम्मीदें हो जाती है कि भाई इंटरेस्ट रेट गिरेगा गिरेगा और एट द एंड फिर इंटरेस्ट रेट नहीं गिरता, लेकिन ये कि इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने से पहले ही जो यूजुअली रिपोर्ट्स निकल जाती है, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स निकल आती है, उसमें तकरीबन अंदाजा हो जाता है, वो भी रिपोर्ट्स आना शुरू होगी तो एक बेहतर अंदाजा हो जाएगा मार्केट के हवाले से भी। तो इन सारी चीज़ों को देखना है, तो इन सारी चीज़ों का बताने का मकसद ये कि रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, इधर स्टॉप लॉसेस जो है वो सही रखने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लालच भी नहीं करनी, जहां नफा हो वहां नफा भी पक्का करें, लालच ज्यादा नहीं करनी, जहां नफा हो वहां नफा भी पक्का करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है ना, इधर नुकसान को बढ़ने ना दें, क्योंकि मार्केट वैसे ही इधर टॉप रेट पे चल रही है कि आपने मिसाल के आपने देखा नहीं कि किस तरीके की लेवल, आप देखे कल ही क्या कहता है आपका दीवान फारूक मोटर 47 का हाई लगाता है और सेम डे नीचे आ जाता है और आज 3800 का लो, और फिर नो डाउट फिर वापसी बढ़ गया, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई तो वापसी 45 हो गया। इस लेवल की फ्लक्चुएशन है, इस लेवल की गिरावट हमने रिसेंट में देखी है मार्केट में। आप जितने भी स्टॉक्स उठा के देख ले, SNGP कहाँ से नीचे 72 से 66 हो गया, PSO कहाँ से नीचे आ गया, तो मकसद ये इन सारी चीजों का, TPLP देख ले कितना नीचे आ गया, तो ये सारी चीजें बताने का मकसद जो है वो ये है कि इंडेक्स नहीं गिर सकता, नहीं गिर रहा इतना जितना आपके आइटमों के रेट चले जाते हैं, फॉरन न्यू चुटकियों में मार्केट जो है मार्केट नहीं गिरती, आपकी स्टॉक्स ये रेट जो है वो 10-10 रुपए नीचे आ जाते हैं, 10-10% नीचे आ जाते हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि अपर लॉक लोअर लॉक भी जो थोड़ा 8-8% हो गया, ये भी इस वजह से भी अल्लाह ना कहे कुछ उल्टा हो जाता है तो फिर वो मार्केट भी स्पीड से नीचे आ जाएगी, अब मंडे को ये 8.5 हो जाएगा, अगले मंडे पे 9, फिर 9.5, फिर 10% तक हो जाएगा, तो इसलिए एहतियात जरूरी है, स्टॉप लॉस भी जरूरी है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है देखने को मिल रही है मार्केट में। इसी तरीके से आप देख ले पाक इलेक्ट्रॉन को, पाक इलेक्ट्रॉन ने हाई कितना लगाया था, तकरीबन 29 रुपए 65 पैसे का, मार्केट हार्डली अपने ऑल टाइम हाई से हार्डली 12-13 मतलब 1500 पॉइंट भी नीचे नहीं आए, और आप ये देखें 29.65 से ये 24 रुपए 45 पैसे पे आ गया, ये तकरीबन 20% की करीब 20% के करीब गिरावट बनती है, तो ये इस लेवल की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। बहरहाल मैं डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, पाक इलेक्ट्रॉन के अच्छे सपोर्ट लेवल में मौजूद है, इसमें कोई काम कर रहा है अगर तो मैं ये मशवरा दूंगा कि एक तो स्टॉप लॉस अच्छा होना चाहिए, आज के लोग को स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट मेरा मेरे नजदीकनेस में ज्यादा नहीं रखना चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं तो, 50 पैसे से रुपया, ठीक है, ज्यादा नहीं टारगेट करें, इसमें ज्यादा लालच नहीं करें, एक तो ये गिर बहुत स्पीड से रहा है तो 25 रुपए के ऊपर ऊपर जाए तो उधर से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ठीक है, आज के लोगों को आपने स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करना है। इसके अलावा मैं FFBL के हवाले से भी बात करता हूँ, तो FFBL भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ठीक है, इसने रिसेंट स्विंग हाई की बात करूँ तो 21 मई को इसने हाई लगाया 35 रुपए 25 पैसे का और आज आप देख ले 31 रुपए 65 पैसे में बन रहा है, किस लेवल की गिरावट है ये, 10-12% तो बन जाता है और 52 ही खाई से देखेंगे तो और बड़ी गिरावट है ये। बहरहाल अभी अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे मौजूद है, ये भी इस वक्त क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है तो थोड़ा रिस्की तो इस वक्त बहुत है, ठीक है, ऑल दो अगर मैं बताऊं इसके हवाले से तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे मौजूद है, स्टॉप लॉस जो है वो 31 रुपए के नीचे ही होगा, लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल 32 रुपए 20 पैसे, 32 रुपए 78 पैसे और फिर 33 रुपए 26 पैसे, ठीक है ना, तो 32 रुपए 20 पैसे के ऊपर ट्रेड करेगा तो ही कुछ बेहतरी आएगी, फिलहाल ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसमें भी ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। SNGP के हवाले से अगर मैं कुछ डिस्कस करूं तो SNGP बड़े ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे मौजूद है, इन द पास्ट भी आप देखें तो जो लेवल है करीबन ये 66 से 65 का लेवल, ये इसके लिए इन द पास्ट भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहा है, ठीक है ना, तो इसके हवाले से भी बात की जाए तो 65 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 67, मैं द मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, चार्ट्स पे
पहला हो जाता है 67 के बाद 67, 70 और 68, 40 ये लेवल्स इनिशियली हो जाता है, उसके बाद 69 का लेवल हो जाएगा, तो 65 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, डिप्स पे आए तो इसको देखा जा सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली ना बढ़े, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर ले एक आध दिन फिर चल जाए, या हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली भी चल जाए। आज भी 65-80 पे आया तो 66 के नीचे तो अच्छा ही है वैसे भी, ठीक है, तो डिप्स पे इसको भी देखा जा सकता है। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ तीन स्क्रिप्ट्स, बाकी सीमेंट स्टील तो ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जब भी गिरेगा, एक मिसाल के तौर पे भले इस बार ना गिरे, वैसे तो चांसेस है गिर जाएगा, ये तो आगे थोड़ा टाइम होगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगली मीटिंग में तो और भी चांस हो जाएगा ना गिरने का। तो जब भी गिरेगा यहाँ से तो जो स्टॉक्स इस वक्त नीचे है सीमेंट स्टील में, उन सबके अंदर जबरदस्त वाली रैली देखने को मिलेगी। मुगल आप देख रहे कितना नीचे था और कैसे भागा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से सीमेंट स्टील में जितने भी नीचे है स्क्रिप्ट, सस्ते स्क्रिप्ट, ठीक है, अंग्रेली स्टील हो जाए, क्वालिटी स्क्रिप्ट, उनके अंदर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी ऐरा गैरा उठा के रख लिया, महंगा तरीन ले लिया, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें देखकर काम किया जा सकता है मार्केट के अंदर। सीमेंट स्टील तो वैसे ही अच्छे है, बाकी भी काफी ऐसे स्क्रिप्ट है जो काफी अच्छे रेट्स पे आ रहे हैं, तो उनको भी डेफिनेटली देखा जा सकता है। तो ये तो चंद स्क्रिप्ट है, इसी साथ मैं भी जा सकता चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।